नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद तनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज का जो शेयर है वो सीजी पावर। पहले बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सीजी पावर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सीजी पावर का जो शेयर है, मैंने कंपनी वेबसाइट ओपन करके, कंपनी का काम क्या है, कंपनी सीजी पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, लाइक ट्रांसमिशन देना और इक्विपमेंट जो लगता है इलेक्ट्रॉनिक का, उसका सॉल्यूशन देती है। यानी कमर्शियल लेवल पे, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल लेवल पे जो सॉल्यूशन चाहिए होता है कंपनी को, जैसे वायरिंग की फिटिंग होगी, वायर का ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है, और कोई प्रोजेक्ट बनाना, उसको लेकर सीजी पावर का काम है। ये सीजी पावर पावर मैन्युफैक्चर में है, पावर प्लांटिंग इनके है, बाकी ये भी इनके काम है। तो कंपनी दो तरह से काम करती है, एक तो पावर जनरेट भी करती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, तीसरा उनका मैन्युफैक्चर भी, यानी कि कंपनी जो ट्रांसमिशन के जो प्रोडक्ट होता है उनको मैन्युफैक्चर करती है, स्विच सॉकेट। और पहले भी मैंने सीजी पावर में खोल दिया, जब भी इसके सारे टर्मिनल हिट हुए थे, तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते। आज 12 दिसंबर है, रात के 8:30 बजे तक जब कल मार्केट ओपन होगा, तो इसमें भी तेजी देखने को मिलेगी शेयर के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए देख समझते हैं सीजी पावर का। ये देखिए, फ्राइडे के दिन यानी कि कल के परसों के दिन इसके अंदर 10 तारीख को 5% की तेज़ी के साथ ये बंद हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर चल क्या रहा है। ये ओपन होता है 156.20 रुपये पे, हाई मारता है 165.15 रुपये का, लो मारा इसने 156.20 रुपये का, 52 हाई है इसका 169.50 रुपये का, 52 लो है 37.75 रुपये का। ये इसका ओवरव्यू, कल के दिन इसने 5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है, 5 दिन में इसने अभी तक हमारे को 5.5% रिटर्न दिया, 1 मंथ के अंदर अभी तक 5.5% रिटर्न दिया अभी तक, क्यों चला नहीं था लास्ट 1 मंथ से, कल फ्राइडे को चलाए, जब ये हमें 1 मंथ का अभी टारगेट ये दिख रहा है, यानी कि 6 मंथ के अंदर अभी तक ये 92.15% बढ़ा है, ईयर टू डेट के अंदर अभी तक ये 269.88% पॉजिटिव रिटर्न दिया इसने अभी तक। ये ओवरव्यू आपको समझ आ गया। अब चलते इसके चार्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते थोड़ा सा। तो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग है 52.7%, पब्लिक की होल्डिंग है 29.40 और DIS की होल्डिंग है 6.37 और FIS की होल्डिंग है 11.89। तो ये ओवरव्यू इसके अंदर इसके होल्डिंग का। देखिए, इसके अंदर भी हमारे को जो एनालाइज़र हैं वो हमें 100% एनालिसिस में बाय करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा टिकट टेप के साइड पर, टिकट टेप को ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए, मैंने आपको पता था हैवी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है कंपनी, ठीक है ना, और NSE के साथ 2.89 की वॉलिटिटी के साथ ट्रेड करता है ये, ठीक है ना। ये इसका ओवरव्यू है। आप समझते हैं चार्ट के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि असली जो ब्रेकआउट होगा चार्ट पर है, चार्ट पर समझते हैं क्या चल रहा है। ये देखिए, जो कल के दिन ये ट्रेडिंग के साथ ये क्लोज हुआ, यानी 5% तेज़ी के साथ क्लोज, देखिए ये जो कैंडल बनी है, यानी कि जो कैंडल बनी है, यानी कि 8 नवंबर के बाद से, यानी 1 मंथ के हाइस पर ट्रेड करके गया है, 1 मंथ के हाइस को ब्रेक करने को तैयार बैठा हुआ है। ये देखिए, इतनी बुलिश कैंडल ट्रेड हुई, उससे पहले 2 इन्वर्टेड हैमर कैंडल ट्रेड हुई लगातार 3, ये देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे क्रॉस मूविंग हुई 21 डेज़ को, 7 डेज़ के क्रॉस मूव ने मूव करा, तो यहाँ पे एवरेज मूव क्रॉस हुई, तो जब उसके बाद इसमें और भी अप ट्रेंडिंग देखने को मिला आपको। और देखिए, इसके जो अप ट्रेंडिंग है, यानी कि 1 मंथ के हाइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है, और शेयर सबसे अच्छी बात है, शेयर 5 ईयर्स के हाइस पे भी ट्रेड कर रहा है, और अपना 52 हाई तोड़ने को तैयार बैठा हुआ है। तो जो मंडे का जो मेरा इसमें पहला टारगेट आएगा, तो हमें इसमें क्या करना है, तो जो इसकी कैंडल है, इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेके चलना है। इसमें स्टॉप लॉस रखना 160 के स्टॉप लॉस से बाय करिए आप, ठीक है, 160 के स्टॉप लॉस से बाय करिए। देखिए, यानी कि 9 दिसंबर को इसके अंदर हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बुलिश, उसके बाद से बाइंग तो हुई है, बस उसमें फिर से ब्रेकआउट हुआ, बाइंग आ गई है, देखिए आप। और ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, एवरेज मूव क्रॉस हुई थी, यानी कि 19 को ही क्रॉस मूव आया था, उसके बाद से देखिए RSI MACD पर दोनों इंडिकेशन काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, मगर उससे पहले हम स्टॉप लॉस रखेंगे, 160 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे। अभी मैं थोड़ी देर में आपको टारगेट बता दूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए बिल्कुल नेकलाइज पे, ये ब्रेकआउट पे बिल्कुल मूव पे है, यानी कि MACD पे ब्रेकआउट कल के दिन देखने को मिल जाएगा मंडे के दिन। और देखिए, इसका RSI 60 के अबव जाने को तैयार बैठा है, इसका मतलब इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। अब ये और भी अपने लाइफ टाइम, यानी कि 5 ईयर्स के हाइस पे तो है, अब इसके अंदर आपको 180 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे आने वाले 15 दिन के अंदर, क्योंकि जिस तरह से चार्ट पे फाउंडेशन बन रहा, चार्ट पे जिस तरह से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, इसमें अब तेजी के मूवमेंट है। और अगर आपके पास शेयर है तो वेट करिए, होल्ड रखिए इसके अंदर अच्छे, और ये 200 तक के लेवल के लिए टारगेट है, इसमें 200 तक के लेवल आएंगे आने वाले 4 महीने के अंदर। तो पहले इसमें जो टारगेट देना हो 10 से 15 का, वो टारगेट लिया, बाय करिए, पैसे होल्ड रखिए। तो इसमें आप स्टॉप लॉस रखेंगे 160 का, तो पहला टारगेट जो मेरा है 170 रुपये का, यहाँ से पहला टारगेट आएगा 170 का, क्योंकि ये जो कैंडल है जो कि 52 हाईएस का 170 तोड़ेगा, 170 को तोड़ने का, जब इसमें देखिए हम सीधा मंथली चार्ट पे चलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 5 ईयर्स के हाइस पे चल रहा है शेयर इस टाइम पे। ये देखिए, थोड़ा सा जूम क्लोज करते हैं, ये देखिए यहाँ पे
यानी एक फरवरी के फरवरी 2016 के अंदर के बाद से इसमें ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो कैंडल बनी हुई है यहाँ पे 213 तक की कैंडल है, मैंने बताया 200 तक के टारगेट आएंगे आपको। तो जब इस कैंडल को सपोर्ट लेगा तो इस कैंडल के अंदर हमारे सारे टारगेट हिट हो जाएंगे। तो वीकली चार्ट पर चलता थोड़ा सा, तो ये फाइव ईयर्स के हाइस पे भी चल रहा है। और इसमें अब देखिए आप पूरे फॉर्मेशन देखिए, MACD RSI सब में इंडिकेशन अच्छे। तो पहला टारगेट जो गैप अप ओपनिंग होगी इसके अंदर शायद मंडे को, पहला टारगेट इसमें 170 का आएगा, 170 का पार करेगा तो दूसरा टारगेट 175 का, 175 का पार करेगा तो 179 का है, 179 का। तीन टारगेट बाइक करिए, पिछले साल होट रखिए, क्योंकि इसमें 200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर। तो आपको न्यू बाइंग नहीं करनी इसके अंदर, अगर है तो न्यू बाइंग कर सकते हैं इसमें स्टॉप लॉस के साथ, अपना 160 का स्टॉप लॉस बाइक करिए उसमें होल्ड रखिए। तो आपके जो इसमें जो टारगेट है वो डेफिनेटली हिट होंगे। पहला टारगेट 170 का, दूसरा टारगेट 175 का, तीसरा टारगेट 179 का, तीनों टारगेट का बाइक करिए, पर्सनल हो रखिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।